हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय एलएलटीसी यूट्यूब चैनल। इन दिस लेक्चर वी विल कवर द समरी ऑफ द थर्ड चैप्टर ऑफ योर बुक फ्लेमिंगो डिस्कवरिंग ट्यू द सागा कंटिन्यूज। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन द इंट्रोडक्शन and syllabus of class 11th, and now we will discuss the summary of this chapter. तो आइए हम लोग इस चैप्टर का समरी देखते हैं। पिछले इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखे थे कि जो ट्यूट हैं उनका मृत्यु रहस्यमय तरीके से हुआ था और ये एक रहस्य बना हुआ था, और वही बात आखिर वो रहस्य क्या थे, इस रहस्य को हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे समरी के माध्यम से। टोटली क्लियर नहीं किया गया है, क्योंकि अगर क्लियर हो जाता तो इस चैप्टर का नाम ये नहीं पड़ता डिस्कवरिंग ट्यूट द सागा कंटिन्यू। ये स्टोरी चल रहा है, उसके बारे में जो अमेजिंग फैक्ट्स अभी आ रहे हैं, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा था डिस्कवरिंग ट्यूट द सागा कंटिन्यू। चलिए हम लोग इसका समरी देखते हैं। ट्यूट वॉज बॉर्न इन 1370 BC, that is around 3300 years back, in those days when Egypt was very powerful country। ये बोल रहा है कि ट्यूट वॉज बॉर्न इन 1370 BC। ट्यूट का जन्म हुआ था 1370 BC। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पहले। तो 1370 साल पहले, जब से ईसा का जन्म हुआ उससे 1370 साल पहले ट्यूट का जन्म हुआ था। दैट इज अराउंड 3300 ईयर्स बैक। ये घटना अभी से अगर हम लोग काउंट करें तो 3300 साल पहले की घटना है। इन दोज डेज, और उन दिनों की बात करें, व्हेन इजिप्ट वाज ए वेरी पावरफुल कंट्री। इजिप्ट जो था, इजिप्ट जिसे आज हम लोग मिस्र के नाम से जानते हैं, तो उसी को इजिप्ट कहा जाता है। इजिप्ट वाज ए वेरी पावरफुल कंट्री। इजिप्ट जो था बहुत ही शक्तिशाली देश हुआ करता था। ही वॉज द सन ऑफ द रूलिंग किंग अखेनातन ऑफ द 18th डिनेस्टी। तो यहाँ जो किंग इजिप्ट में, जिसे किंग कहा जाता है, वहाँ पर इजिप्ट के लोग किंग को फैरो कहते हैं। यहाँ हम लिखे हैं फैरो। तो ये ही वॉज द सन ऑफ द रूलिंग किंग अखेनातन। तो अखेनातन जो वहाँ का रूलिंग किंग थे, जो राज कर रहे थे, उनका वो सन थे। कौन? ट्यूट ऑफ द 18th डिनेस्टी। जो 18वां वहाँ का वंश था, ये ट्यूट जिस वंश से, जिस एयर से बिलोंग करते थे, वो वहाँ का 18th डिनेस्टी था। और उनके पिता का नाम अगर हम लोग बात करें तो अखेनातन था, और किंग को वहाँ पर क्या कहा जाता, फैरो। ट्यूट बिकेम किंग एट ए वेरी अर्ली एज ऑफ 8। ट्यूट जो हैं वो बहुत ही कम उम्र में राजा बने थे। ट्यूट बिकेम किंग, ट्यूट राजा बने एट ए वेरी अर्ली एज, बहुत ही कम उम्र में, ऑफ 8, आठ साल में वो राजा बन गए। बट हीज रेन लास्टेड इन ए वेरी फ्यू ईयर्स। लेकिन उनका जो रेन था, उनका जो शासन था, वो बहुत ही कम सालों में ख़त्म हो गया। ख़त्म क्यों हुआ? ट्यूट डाइड, क्योंकि ट्यूट मर गए। प्रोबेबली ही वॉज किल्ड, और इनका जो मृत्यु का वो सस्पेंस बना हुआ है। क्यों आखिर मरे, कैसे मरे, ये लोगों को पता नहीं है, और ये इस चैप्टर में हम लोग को यही बात बताया जाएगा। तो प्रोबेबली ही वॉज किल्ड और ही डाइड इन ए वार। शायद ही वॉज किल्ड, या तो उनको मार दिया गया, और ही डाइड, वह मर गए इन ए वार, युद्ध में, एट द एज ऑफ 18। प्रोबेबली शायद ये जब उनका उम्र 18 हुआ तभी उनकी मृत्यु हो गई, और उनका मृत्यु का जो रहस्य है अभी बना हुआ है। सो, आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या वजह था कि इतने कम उम्र में वो मृत्यु हो गई उनकी, और आखिर कैसे हावर्ड कार्टर जो हैं, वो हावर्ड कार्टर कैसे
जब सीटी स्कैन होता है तो ये कैसे बताते हैं, ये हम लोग को बताएंगे। द डेथ ऑफ किंग ट्यूट, आइए हम लोग देखते हैं कि किंग ट्यूट का डेथ कैसे हुआ, ये पता करने का प्रयास करते हैं। ट्यूटेन खामुन, अभी आप लोग पढ़ें कि ट्यूटेन खातेन नाम तो होना चाहिए, क्योंकि वो उनके फादर्स का नाम था अखेनातन, पिता का क्या नाम था अखेनातन, तो उसके अनुसार उनका जो टाइटल होना चाहिए था ट्यूटेन खातेन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ दिया हुआ ट्यूटेन खामुन। तो जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे एटेन का मतलब होता है, थोड़ा नाम में हम बता दे रहे हैं कि अखेनातन, अखेनातन, ये देखो लास्ट में एटेन है। एटेन का मतलब होता है, एटेन वो अपने टाइटल में लगाते हैं जो सूर्य का उपासक होते हैं, जो सूर्य का उपासक होते हैं मतलब सूर्य की पूजा करते हैं, वो अपने नाम के टाइटल में एटेन लगाते हैं। लेकिन ये ट्यूटेन खामुन एक बिग सेंस हिस्ट्री में एक नया किए थे, और उन्होंने अपने फादर का जो वो सन की पूजा करते थे, तो अब जब ट्यूट सत्ता में आए तो सन की पूजा करना बंद कर दिए और वो अपना देवता मुन को मारने लगे, तो इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा था ट्यूटेन खामुन। देखो लास्ट में मुन है, मुन का मतलब चंद्रमा, मुन का मतलब क्या होता है चंद्रमा, तो ये इनके फादर जो थे वो सूर्य के उपासक और ये किसके उपासक हो गए, चंद्रमा का उपासक, इसीलिए वो अपना नाम क्या रखे ट्यूटेन खामुन। ऐसे उनका नाम ये भी था ट्यूटेन खातेन, क्योंकि जो पिता के विरासत में ये नाम मिला था लेकिन उन्होंने खुद ये चेंज कर लिया। तो ट्यूटेन खामुन और किंग ट्यूट एस ही इज़ वाइडली नोन टूडे, ट्यूटेन खामुन जिसे हम लोग किंग ट्यूट के नाम से भी जान रहे हैं, डाइड मरे ए टीनेज फैरो, मतलब बहुत कम है टीनेजर, टीनेजर आपको पता है मतलब वही 18-19 के उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। एंशियंट इजिप्टियन किंग एंड बरीड लैडन विद गोल्ड, हम आपको बताएं पिछले लेक्चर में कि ये इजिप्टियन लोग जो थे आफ्टर लाइफ पर स्ट्रांगली बिलीव करते थे, मतलब मरने के बाद भी हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उन चीज़ों का यूज़ होगा। चलो एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जैसे अगर हम कहीं यहाँ से जा रहे हैं, कहीं दिल्ली जाएं कोलकाता जाएं, तो क्या होता है कि हमारे बैग में वो ज़रूरत की चीज़ें लोग रख देते हैं, है ना, चाहे मैं भी खुद रख लेता हूँ। तो सोचो कि हम यहाँ से डाल्टनगंज से दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाने के दौरान अपने बैग में उन ज़रूरी चीज़ों को रख लिए हैं, तो दैट मीन ये जर्नी में यूज़ होने वाले चीज़ हैं, उन चीज़ों को मैं रखा हूँ। तो वही बात वहाँ थी कि इजिप्ट के लोगों का मानना था कि नहीं, ये आदमी जो मरा हुआ है वो उसको अगले, दैट मीन ये मरने के बाद एक जीवन शुरू होता है और उस जीवन में उन्हें उन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए देखो ये लिखा हुआ है कि एंड बरीड, बरीड का मतलब होता है उनको दफना दिया गया, लैडन विथ गोल्ड, वही मतलब सोने चांदी हीरे जवाहरात देकर उनको सुला दिया गया। ही वॉज द लास्ट ईयर ऑफ द फैमिली ऑफ रूलर्स, ही वॉज द लास्ट ईयर, वह अंतिम शासक थे ऑफ द फैमिली ऑफ रूलर्स, यानी कि उस डिनेस्टी का वो अंतिम शासक थे, हु हैड रूल इजिप्ट फॉर सेंचुरी, जिसने इजिप्ट पर सदियों तक शासन किया था। हीज अनएक्सपेक्टेड डिमिस, डिमिस का मतलब अंत, डिमिस का मतलब क्या होता है अंत, यहाँ लिख भी दे रहे हैं हम, तो उनकी जो अनएक्सपेक्टेड डिमिस थी वॉज अ बिग इवेंट, एक बहुत बड़ा इवेंट था। एंड द रीज़न फॉर हिज डेथ रिमेन अनक्लियर, एंड द रीज़न फॉर हिज डेथ, उनके मृत्यु का जो कारण था रिमेंड रह गया था अनक्लियर, अस्पष्ट नहीं हो पाया था कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। टू द बिगेस्ट क्वेश्चन आर आंसर्ड अबाउट हिम, उनके मृत्यु से रिलेटेड जो दो बिगेस्ट क्वेश्चन थे आर अनआंसर्ड, ये
मतलब प्रश्न ही रह गए थे, उनका जवाब अभी तक नहीं मिला था। ये दो प्रश्न कौन थे, तो हाउ डीड ही डाई कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ और जब उनकी मृत्यु हुई थी तब उनका उम्र क्या था। तो ये दो बिग प्रश्न थे जिसका आंसर दिया जाना था। तो इन प्रश्नों का जवाब कैसे मिलता हम लोग को, तो जब ये हावर्ड कार्टर जो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ह्यूमन हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं बाई एक्सकैवेशन, और जब एक्स मम्मी का खोज होने लगा इजिप्ट में जो मम्मी फाइड किए जाते थे, जो टूम था उसका खोज होने लगा, और खोज के दौरान ये जब ट्यूट का टूम्ब मिला, ट्यूट का टूम्ब मिला तो इसका उसका सीटी स्कैन किया गया, एक्सरे किया गया, तो उसमें हम लोग को पता चलेगा कि चला कि नहीं उनका मृत्यु आखिर कैसे हुआ था। कार्टर्स इन्वेस्टिगेशंस एंड द प्रॉब्लम फेस्ड। देखिए कार्टर्स, हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि हावर्ड कार्टर्स जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ट्यूट के टूम का खोज किया था। तो जब ट्यूट के टूम का खोज हुआ और उनके मम्मी को बाहर निकाला गया तो कार्टर साहब को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, क्या क्या चीज़ उनको मिला, ये कुछ हम लोग बात डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कार्टर इन्वेस्टिगेटेड द थ्री नेस्टेड कॉफिन्स। कॉफिन्स का मतलब होता है ताबूत। आपको पता है जब कोई आदमी मरता है तो हमारे यहाँ उसके लिए अर्थी सजाए जाते हैं, लेकिन क्रिश्चियन धर्म में वो ताबूत बनता है, वो लकड़ी का होता है। और लेकिन ये जो थे ट्यूट एक राजघराने परिवार से बिलोंग करते थे, तो उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, है ना, सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। तो उनका जो कॉफिन था वो सॉलिड गोल्ड कॉफिन था, सोने का था, है ना। अब भाई जिसके पास पैसा है तो चाहे तो चप्पल जूता सब सोने का बनवा सकता है, हम लोग के पास नहीं तब तो प्रॉब्लम है। तो कार्टर साहब जब इन्वेस्टिगेट किए तो उनको तीन कॉफिन मिला, तीन ताबूत मिले जब ट्यूट के टूम का खोज हुआ ना। चलो तीनों कॉफिन में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या मिला। इन द फर्स्ट, जो पहला था कॉफिन, उसमें एक श्राउड मिलता है एडॉर्न विथ गार्लैंड, जिसमें गार्लैंड सजे हुए थे ऑफ विल्लो। विल्लो एक प्रकार का लकड़ी होता है, एक प्रकार का जो विल्लो वुड का ही वो बैट वगैरह बनता है ना, तो विल्लो गार्लैंड ऑफ विल्लो यानी कि विल्लो फूल के जो माला था वो मिलता है, उससे सजा हुआ था। एंड ओलिव लीव्स, ओलिव आपको पता है ओलिव लीव्स थे। विल्ड सिलेरी एक प्रकार का ये सिलेरी होता है। लोटस पीटल्स, लोटस आपको पता है कमल की पंखुड़ियाँ। एंड कॉर्न फ्लावर्स वर फाउंड, और कॉर्न फ्लावर पाए गए। दिस गेव वेग एविडेंस, इससे एक स्पष्ट एविडेंस साक्ष्य मिलता है दैट डेथ माइट हैव टेकन प्लेस इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल, कि जो मृत्यु हुई है या तो मार्च में हुई है या अप्रैल में हुई है, इन सारी चीज़ ये बता रहे हैं। कार्टर फेस डिफिकल्टी एक्सट्रैक्टिंग द मम्मी ऑफ द किंग आउट ऑफ कॉफिन, जब कॉफिन से बाहर निकालना था, आखिर उसका एक्सरे करना था, फिर पहले एक्सरे हुआ, उसके बाद सीटी स्कैन हुआ, 1950 में एक्सरे हुआ था और 2005 में सीटी स्कैन हुआ, तो भाई एक्सरे कैसे करोगे, तो उसके लिए क्या करना हो कि आपको बाहर निकालना होगा। तो कार्टर फेस डिफ़िकल्टी, कार्टर को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा इन एक्सट्रैक्टिंग, बाहर करने में द मम्मी, किसको, मम्मी को, जो मम्मी फाइड हम आपको प्रोसेस बता दे रहे हैं कि जब आदमी मरता है तो उसमें बहुत तरह के केमिकल, जो प्राकृतिक केमिकल या पुराने ज़माने में तो ऐसे कोई सिंथेटिक केमिकल होंगे नहीं, तो जो नेचुरली केमिकल होंगे उन चीज़ों का यूज़ किया गया होगा ना, तो उन चीज़ों को कुछ लेप होते हैं उसको बॉडी में लगाकर। आप रामायण वगैरह में, हम लोग तो रामायण वगैरह में देखें कि
जब ये राजा मर गए तो उनके नाती पोता दूर हैं तो उनको तेल में डूबो जाता है, उन पर कुछ लेप लगा जाते हैं ताकि बॉडी जो है कुछ दिनों तक प्रिजर्व रहे। तो यहाँ भी क्या होता है कि बॉडी बिल्कुल अच्छा रहे, बॉडी डिकम्पोज न हो, इसके लिए उस पर कुछ लेप चढ़ाए जाते हैं और बॉडी को बिल्कुल सुरक्षित रखा जाता है उस कॉफिन में, ताबूत में। दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ममीफाइड और उस बॉडी को बोला जाता है मम्मी। तो एक्सट्रैक्टिंग द मम्मी, जब मम्मी को बाहर निकाल रहे थे, दैट मीन उस डेड बॉडी को ऑफ द किंग, राजा के डेड बॉडी को बाहर निकालने में कार्टर साहब को बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा था। ऑफ द कॉफिन, कहाँ से? कॉफिन से। द रिचुअल रेजिन्स, रेजिन्स का मतलब वो जो लीप वगैरह चढ़ाए गए उसी को रेजिन्स कहा जा रहा है ना, गोंद जिसको हम लोग बोलते हैं, तो रेजिन। दैट मीन पुराने ज़माने में ऐसा सिंथेटिक कोई केमिकल नहीं होगा। तो द रिचुअल रेजिन्स दैट मीन जिस रेजिन का यूज़ किया गया था ममीफाइड प्रोसेस में हैड हार्डन, उसके वजह से वो बहुत हार्ड हो गया था, रिजल्टिंग इन सीमेंटिंग ऑफ ट्यूट, और जिसके परिणाम स्वरूप ट्यूट का जो बॉडी था वो सीमेंटेड हो गया था, बिल्कुल जकड़ सा गया था, टू द बॉटम ऑफ सॉलिड गोल्ड कॉफिन, सॉलिड गोल्ड कॉफिन के बॉटम को पूरी तरह से जकड़ लिया था। बॉटिंग मैंने तल, यानी कि जो बॉडी है, आप कोई पुराने चीज़ों को देखेंगे अगर उसमें वो ऐसा कुछ मटेरियल रखा हुआ तो बहुत अच्छे तरीके से उसको जकड़ लेता है, और यही हुआ था कि मम्मी जो था वो पूरी सॉलिड गोल्ड कॉफिन को अच्छे तरीके से जकड़ लिया था। देयर वॉज नो अदर वे लेफ्ट टू सेपरेट द मम्मी फ्रॉम द एडोरमेंट्स, कोई दूसरा तरीका नहीं था। क्या इसके लिए प्रोसेस किया गया था उस मम्मी को कुछ दिन धूप में? आपको पता है कि मिस्र एक ऐसा कंट्री है जो ज़्यादा एरिया डिजर्ट है, वहाँ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर हमारे वर्ल्ड के एवरेज टेम्परेचर से मिस्र का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको धूप में रखा जाए तो शायद हो सकता है कि रेजिन्स जो है वो क्या हो जाएगा, ढीला पड़ जाए, हम लोग इसको आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देर वॉज नो अदर वे, कोई तरीका नहीं बना। उसको गर्म बहुत किया गया टू सेपरेट द मम्मी फ्रॉम द एडोरमेंट, यानी कि उस सॉलिड गोल्ड कॉफिन से निकालने के लिए और कुछ उपाय किए गए। देन टू चीसल इट अवे, लेकिन कोई भी उपाय से वो अलग नहीं हुआ। फिर क्या किया गया कि चीसल इट अवे, इसको हथौड़ी और छेनी के सहायता से काट काट कर और सॉलिड गोल्ड कॉफिन से बाहर निकाला गया। पहले हेड हैड टू बी रिमूव्ड, पहले सिर को निकाला गया, एंड द मेनी ज्वाइंट्स हैड टू बी डिटेच, इसके बाद जितने भी जोड़ जगह, जितना भी जोड़ वाला जगह था सबको काट काट कर अलग किया गया। तो आज हम लोग देखें कि थ्री जो नेस्टेड कॉफिन था उसमें से एक कॉफिन को खोला गया तो क्या मिला। अगले दिन हम लोग ये देखेंगे, अगले लेक्चर में ये देखेंगे, दो और नेस्टेड कॉफिन को खोला जाएगा और हम लोग पता करेंगे कि उसमें क्या क्या मिला था। तो आज इतने रहेगा, आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना रहेगा, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।